नमस्कार, मैं शिष्ट सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे, पूरा सच बेहिजक, जहां प्रदेश टुडे का एक ही इरादा है, एक ही लक्ष्य है कि सच को सामने लाना और लोगों को हो रही लगातार कठिनाइयों से उन्हें दूर करना, निवारण निकालना। और ये स्पष्ट तरीके से हम बताना चाहते हैं कि हमारा इरादा किसी भी संस्था पर आरोप लगाना नहीं है, ना ही उनको ठेस पहुँचाना है, बल्कि उनकी लगातार हो रही लापरवाही और गलतियों को गिनवाना है, ताकि ऐसे बढ़ के आगे किसी को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इसी संदर्भ में आज हम खड़े हैं बंसल हॉस्पिटल के सामने, जहां पार्किंग जैसी समस्या, हम सब जानते हैं कि यहां पे पार्किंग जैसी समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर शाम, हर सुबह जब आए आप, यहां पे ज़रूर आपको जाम मिलेगा। ये इसी संदर्भ में आज हम लोगों से बात करेंगे किन किन कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ रहा है। आइए करते हैं लोगों से बात। मैम, आपका परिचय? मैं हूँ अनीता शर्मा, भोपाल से ही। और मैम, आपका परिचय? हनी त्यागी, मैं भी भोपाल से हूँ। मैं नवीन त्यागी, नोएडा। मोहित त्यागी, दिल्ली। ओके, तो हम शाहपुरा में खड़े हैं, बंसल हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं। हम सब जानते हैं कि यहाँ पे लगातार जाम जो है वो देखा जा रहा है। अभी भी हम पीछे देख ले तो जाम लग रहा है। पेशेंट्स जो है उनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि वो बहुत दूर से चलकर आ रहे हैं हॉस्पिटल विज़िट करने के लिए। तो उस पर आपको क्या कहना है? क्या आप लोगों को भी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? सबसे मेन जो यहाँ की प्रॉब्लम है पार्किंग की ही है। पार्किंग इतना ज़्यादा यहाँ कठिन हो जाता है कि जो हॉस्पिटल के लोग आते हैं पेशेंट को लेकर या पेशेंट के साथ जो आते हैं, वो बहुत सफ़र करते हैं। इवन हम भी यहीं पर आए, पेशेंट तो हमारा बहुत अच्छा है, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब इतना बड़ा हॉस्पिटल है या यहाँ इतना बड़ा मार्केट है, तो यहाँ गवर्नमेंट को भी और हॉस्पिटल जो वो एडमिनिस्ट्रेशन, सबको मिलकर कुछ पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए। तो यहाँ ये पार्किंग जो बनाई हुई है छोटे टू व्हीलर की, ये हटाकर यहाँ इनको स्पेस देना चाहिए कि जो ट्रैफिक चल रहा है उसको जगह मिले। तो वो एक है कि इनको एक अलग से पार्किंग मिल जाएगी, तो ये अपने आप ही यहाँ का जाम जो लग रहा है वो अपने आप हट जाएगा। जी, मैं बंसल हॉस्पिटल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि पार्किंग इनके अंदर सुविधा कराई गई है, लेकिन लोगों का कहना है कि स्टाफ मेंबर्स सिर्फ वहाँ पे पार्क कर सकते हैं, और साथ ही ओपीडी भी बेसमेंट में वो लोग चलाते हैं। तो ये किस हद तक गलत है इसके बारे में? हाँ, ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके पेशेंट जो आपके यहाँ आ रहे हैं, ये उनके लिए भी गलत है ना भाई। किसी की जान के अगर बन आती है कि उसके लिए 5 मिनट वो जाम में फंसा हुआ है। दूसरी चीज़, कल हमारे सामने एक बाइक भी गिर गई, तो ये जो रोड भी ऊपर नीचे बनाया उसको भी आप उसको लेवल में करिए ताकि वो जगह मिले। तो वही है ना, यहाँ मार्केट है, यहाँ आप क्या गाड़ियाँ चल नहीं सकती, वो एक है तो आप उसको, वहाँ मेन रोड है तो उसको तो जगह चाहिए ना गाड़ियों को। तो वही है, गलत है, हॉस्पिटल है अच्छा है ठीक, लेकिन ये पार्किंग हट जाएगी तो अपने आप ही वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ये तो हॉस्पिटल का ही काम है ना, कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनती है तो सबसे पहले तो उनको पार्किंग की व्यवस्था सबसे पहले, ये तो एक मतलब जेन्युइन क्वेश्चन है, कहने की ज़रूरत ही नहीं कि आज कोई भी बड़ी बिल्डिंग बन रही है तो सबसे पहले आप पार्किंग की व्यवस्था खुद देखिए। आपका पानी का, ड्रेनेज का या पार्किंग की आपके पास फैसिलिटी नहीं है तो आप इतना बड़ा यहाँ पर प्रोजेक्ट लेके क्यों बैठे? गवर्नमेंट से सबसे पहले तो यही आपको मिलना, पास कराना चाहिए ना कि ठीक है हॉस्पिटल और ये सब तो वो एक अलग चीज़ होगी, आपके महापौर हुए, आपकी जो सरकार है, ये चीज़ उनको देखनी चाहिए, महापौर को ध्यान देना चाहिए कि हमारे यहाँ भोपाल में कहाँ किस जगह पर क्या प्रॉब्लम क्यों हो रही है। और ख़ास तौर पे जहाँ ये बड़े हॉस्पिटल है और जो पार्किंग है, वो उस पर गौर करना चाहिए कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, और जाके हॉस्पिटल से या आसपास या तो उन्हें जगह दें, भाई नहीं है तो उन्हें कहीं एक पास में दें या कुछ भी। तो ये महापौर और आपको देखना चाहिए, शासन प्रशासन दोनों को ही करना चाहिए, तभी सॉल्व होगा। वैसे सही कह रही हैं मैम कि यहाँ हॉस्पिटल को देखना चाहिए, हॉस्पिटल को और प्रशासन को ये देखना चाहिए कि अगर प्रशासन भी यहाँ से, कई लोग निकलते होंगे, अधिकारी लोग यहाँ से निकलते होंगे, उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करना होता होगा, तो उनको कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल है तो ये तो एक्शन लेने से रहे, इनके लिए तो और बेनिफिट है, ये अपने स्पेस को कहीं और ज़्यादा यूज़ करेंगे, लेकिन बेसिकली इनको यही देखना चाहिए था कि अंदर स्पेस देना चाहिए, जहाँ इन्होंने अपना बिजनेस पर्पस से तो इन्होंने अपना कर रखा है, क्योंकि इनके बेनिफिट है इनको, और अगर ये नीचे स्पेस दे देंगे तो इनका वो बेनिफिट ख़त्म हो जाएगा उस चीज़ के लिए। ओपीडी जैसी चीज़ें जो है, ये बहुत ही क्रूशियल चीज़ है, ये
अब मुझे लगता है एक दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा पार्किंग वापस बनने में, लेकिन ये एक्शन जो बंसल हॉस्पिटल नहीं ले रही है उसके उस पर आपको क्या करना? इनको ही करना चाहिए मैनेज, प्रशासन को भी ये देखना चाहिए, ये प्लान पास कराया हुआ इन्होंने, हर चीज़ पास कराई होगी, तो प्रशासन को ये सबसे देखना चाहिए। आप ऑन रोड इतने मेन हाईवे पे अगर मेन जगह पे इन्होंने कर रखा है तो स्पेशल पार्किंग की पहले भी उनके प्लान में जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होगा तो उसमें प्लान देना चाहिए था इनको, और उन्हें भी पूछना चाहिए था आप इतना बड़ा हॉस्पिटल बना रहे हैं तो वहाँ पार्किंग कैसे करेंगे, या आपने पार्किंग की कहाँ व्यवस्था करी, आप सड़क पे ही इन्होंने पार्किंग करवा रखी है तो ऑब्वियसली जाम तो लगेगा ही लगेगा और वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही नहीं सकती। और यहाँ मे बी प्रशासन की सबसे ज़्यादा ढील है यहाँ पर, क्योंकि प्रशासन चाहे तो ये अभी एक मिनट के अंदर हटवा सकता है, अभी आके कोई गाड़ी हट कहेगी तो ये सारी गाड़ियाँ यहाँ से हट भी सकती हैं, तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकता है मे बी प्रशासन। अब ये तो गलत है, पार्किंग होना चाहिए यहाँ, गलत है, मतलब जगह नहीं मिल रही है। अब हमारी गाड़ी वहाँ लगा कहा है, एक किलोमीटर दूर खड़ी है हमारी गाड़ी अभी हाल फिलहाल, तो परेशान है जनता बिल्कुल है इसके लिए। निकलने परेशान है जी, मंदिर के आगे गाड़ी लगा कहा है, हम राजगढ़ जिला से, हम निकलने में दिक्कत आ, लेडीज भी साथ रहे, सब साथ में रहे हुए, तो अभी ये परेशानी, तो पर अब हम किसे कहें, हॉस्पिटल यही अच्छी है, यहाँ के बाद हम इंदौर जाओ बॉम्बे में, यही लानो पड़े हमें, यह दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी लगाने की जगह नहीं है, गलत है नहीं वो, हमारी गाड़ी तो अंदर जाने ही नहीं थी, अब गाड़ी खड़ी क्या करे, जगह ही नहीं है कहीं भी, पार्किंग होना चाहिए। वो क्लेम करते हैं कि अंदर उनकी पार्किंग है लेकिन फिर भी आपको अंदर पार्क करने नहीं दिया जाता, नहीं जाने देते मरीज, देर गाड़ी अंदर जाती है फिर बाहर निकाल देते है, मरीज से गाड़ी से निकली बाहर करी गाड़ी बाहर निकाल दे, फिर अब वो कहीं भी खड़ी करो, आप जगह नहीं है खड़ी करने की, कहाँ करो खड़ी आप। और जो एक्सीडेंट्स हम फेस कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है बंसल हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को कोई स्टेप लेना चाहिए इसके? लेना चाहिए ना, ये पार्किंग के लिए तो बिल्कुल जगह ही नहीं है खड़ी होने की, पार्किंग की अच्छी मैदान बना, अच्छी बना तो अच्छी व्यवस्था रहे, बढ़िया रहे, निकलवा में हमें रास्ता में दिक्कत दिखा दो, हमारी गाड़ी दूर रखी रहे, हम दूर से हो सके कुछ भी हो सकता है।